वी मेक अ मॉडल द्वारा मिस्टर एंड मिसेस नोएडा 2019 का आगाज रेडिएशन होटल सेक्टर 55 नोएडा में किया गया, जहां बिखरे फैशन के जलवे व मॉडलों ने रैंप पर की धमाकेदार परफॉर्मेंस। वी मेक अ मॉडल पिछले कई समय से इस ग्रैंड फाइनल की तैयारी में लगा था और मॉडल्स को ग्रूमिंग, एक्टिंग व रैंप पर हुनर के गुण को सिखा रहा था। उनकी प्रतिभाओं को मंच देकर पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा था, जिसके कारण ग्रैंड फाइनल का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें विनर रहे अमोल भंडारे, आशुतोष राजे, विश्वास त्रिपाठी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्रोग्राम तैयार किया गया था मिस्टर एंड मिस नोएडा 2019, और यहाँ पे पूरे नोएडा से जो सबसे बेहतरीन हमारे मॉडल्स हैं, जो लड़के और लड़कियाँ जो चूज़ की गई हैं, देवर वंडरफुल एंड फैबुलस। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया ये शो, अयान अली जी ने स्टार्ट किया है, और मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस तरीके के जो पैजेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग्स क्लियर करना, यहाँ तक स्टेज तक पहुँचना और बाखूबी उसे निभाना, अपने अलग अलग राउंड्स में परफॉर्म करना, क्वेश्चन आंसर्स देना। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस लेवल बना रहता है कंटेस्टेंट्स पे, जिसे पार कर कर वो एक फिनाले तक, आखिरी राउंड तक पहुँचते हैं। अच्छा, जिस तरह मॉडल्स को इस तरह के मंचों से कितना फ़ायदा मिलता है, क्या लगता है कि उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए? मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है इस फील्ड में एंटर करने के लिए, जहाँ पे जो बच्चे अपने मॉडलिंग करियर को बनाना चाहते हैं, एक्टिंग को बनाना चाहते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर उन लोगों को मिल जाए तो एक शुरुआत हो जाती है इस फील्ड में एंटर करने की, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपकी आइडेंटिटी मिल जाती है। 3 दिन ट्रेनिंग दिए हैं बच्चों को, और उसके बाद जो आज का परफॉर्मेंस है सबका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे ये भी और देख के भी फख्र हो रहा है कि हम इतनी मेहनत के बाद जो आज रिजल्ट दी है बच्चों ने, ये सब मतलब बोलने लायक है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये कंपनी का एक पहला कॉन्टेस्ट है और सिटी का भी एक पहला कॉन्टेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जब हमने शुरुआत करी थी ऑडिशन के साथ। ऑडिशन भी सक्सेसफुल रहा है, और फाइनली 3 दिन का जब रिहर्सल करा, आज 4 डे फिनाले है 26 जनवरी को, तो बहुत खुशी है कि फाइनली कंपनी ने पहला सक्सेसफुल एक इवेंट किया। जिस तरह से मॉडलों को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्या आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे? बिल्कुल, दूसरा हम एक और इवेंट प्लान कर रहे हैं, जो अभी टाइटल हमने डिसाइड नहीं करा, बट वो इससे काफ़ी बड़े लेवल पर होगा। इस तरह की प्रतिभाओं से मॉडल का हौसला भी बढ़ता है और उनकी मंजिल की ओर भी करीब उन्हें देखने लगती है। एक मॉडल के लिए बहुत जरूरी होता है कि उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपचंद शर्मा के साथ हरिकिशोर शाह की रिपोर्ट, आर सोनी न्यूज दिल्ली।